अहमदाबाद में खेले गए चौथे दिन के खेल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम इंडिया ने विराट कोहली की शतकीय पारी के चलते पहली पारी में 571 रनों का स्कोर खड़ा किया। इस दौरान भारतीय टीम ने पहली पारी के आधार पर 91 रनों की बढ़त हासिल की। बता दें कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहली पारी में उस्मान ख्वाजा के 180 और कैमरून ग्रीन के 114 रन के चलते ऑस्ट्रेलिया ने 480 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम की पहली पारी में 2 शतक और 1 अर्धशतक देखने को मिले। बता दें कि चौथे दिन के खेल में विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने टीम की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी देखने को मिली। भारत के लिए विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 186 रन बनाए। वहीं शुभमन गिल ने पहली पारी में 128 रन की तूफानी पारी खेली। अक्षर पटेल ने भी विराट कोहली के साथ कमाल की साझेदारी की और अपने बल्ले से 79 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन लियोन और टॉड मर्फी ने 3-3 विकेट चटकाए। इस पारी में भारत के 9 ही विकेट गिरे। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रेयस अय्यर चोट की वजह से बल्लेबाजी करने नहीं आ सके और विराट कोहली के आउट होने के बाद 9वें विकेट गिरने पर ही टीम की पारी को समेटा गया। पहली पारी में भारत ने 571 रन बनाए और 91 रनों की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत धीमी नजर आई। टीम ने 6 ओवर तक बिना किसी नुकसान के 3 रन बनाए।